पश्चिमी मिदनापुर में सीएम ममता बनर्जी की को करना पड़ा जय श्री राम नारे का सामना। गाड़ी रुकवाकर नारा लगाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बिफरी। पश्चिमी मिदनापुर में एक नुक्कड़ सभा के दौरान ममता ने समर्थकों से लगवाया चौकीदार चोर है का नारा। पश्चिम बंगाल की बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट, जय श्री राम के नारे से नाखुश ममता, बताएं किस नारे से होंगी खुश। मायावती का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी और बीएसपी में फूट डालकर राज करने की कोशिश कर रहे हैं पीएम। मायावती का ऐलान, कहा एसपी बीएसपी के वोटर अमेठी रायबरेली में कांग्रेस को दे वोट। बंगाल के गाजल में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष विवादों में, टीएमसी कार्यकर्ताओं को दी धमकी। प्रचार के दौरान भारती ने कहा, मैं यूपी से हजारों लोगों को बुलवाऊंगी, उन्हें तुम्हारे घरों में भेजूंगी और तुम्हें पाठ पढ़वाऊंगी। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की नई मुश्किल, बैन के दौरान मंदिर में जाने पर चुनाव आयोग ने थमा नोटिस। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के प्रचार पर लगा 72 घंटे का बैन खत्म, साध्वी बोली अब मैं प्रचार के लिए निकल रही हूँ। बैन के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने मंदिर में किया भजन कीर्तन, भोपाल में 12 मई को छठे चरण में डाले जाने हैं वोट। दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता का साध्वी प्रज्ञा पर वार, कहा भगवा कपड़े पहनकर खुद को बताती हैं संत लेकिन काम संतों वाले नहीं। वरुण गांधी का फिर विवादित बयान, सुल्तानपुर सीट पर मां मेनका गांधी के खिलाफ मैदान में उतरे बीएसपी के बाहुबली उम्मीदवार सोनू सिंह को ललकारा। वरुण गांधी ने कहा, ऐसे किसी सोनू मोनू से डरने की जरूरत नहीं, मैं संजय गांधी का बेटा हूं, ऐसे लोगों से जूते खुलवाता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में बवाल, करमपुरा में एक शख्स ने मारा चांटा। थप्पड़ कांड को लेकर मोदी सरकार पर बिफरी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया का ट्वीट, क्या केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं मोदी और शाह। दिल्ली में शीला दीक्षित के लिए प्रचार के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा जो अपनी खांसी ठीक नहीं कर सकता वो दिल्ली का विकास क्या करेगा। कल होगा 5वें चरण का मतदान, 7 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी में कल 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव, सोनिया राहुल राजनाथ सिंह की किस्मत, ईवीएम में होगी बंद। विवादित बयान के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी को लगातार 7वीं बार चुनाव आयोग से मिली क्लीन चिट, कमेटी ने 2-1 से किया फैसला। अमित शाह को चुनाव आयोग से मिली क्लीन चिट, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बयानों पर दर्ज कराई थी आपत्ति। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष गुल मोहम्मद मीर की गोली मारकर हत्या, नौखाम में संदिग्ध आतंकियों ने मारी गोली। रामदेव ने सीताराम येचुरी के हिंदुओं और धर्मग्रंथों पर की गई टिप्पणी पर आंदोलन की धमकी दी, येचुरी की गिरफ्तारी की मांग की। चुनाव आयोग का बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर को नोटिस, प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल के आरोप पर मांगा जवाब। उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत, बुरके पर विवादित बयान देने का है आरोप। औरंगाबाद नगर निगम में मेयर ने सीएम फडणवीस को 1400 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रस्ताव भेजा, सूखा प्रभावित औरंगाबाद जिले में जल संकट के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।